नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग, जितने लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है SI और ASI के बारे में। काफ़ी बच्चे इसको लेकर बहुत पैनिक हो चुके हैं। वो बच्चे जो हमारे कोर्स से जुड़े हैं, जो पेड कोर्स से जुड़े हैं SI ASI में परीक्षा प्लस से, वो कई बार सुबह से इतने मैसेज मुझे कर चुके हैं कि सर क्या ये हम लोगों के लिए वैलिड है या क्या होगा, हमारा इस बार होगा कि नहीं होगा, हमारे पे भी ये लागू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपके जो लखनऊ पीठ है हाई कोर्ट की, उसने एक फैसला सुनाया है 2016 के लिए सुनाया है, लेकिन बच्चे इसको लेकर पैनिक हो चुके हैं। तो इस सूचना में क्या है, इसका ओरिजिनल क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। जो लोग 2021 वाले SI और ASI की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना सुचारू रूप से तैयारी जारी रखें। ऐसे खबर पे आप लोग पूर्णतः ये ना विश्वास करें कि ये आप लोगों के लिए है, ये सही है। सूचना ऐसी नहीं कि गलत है, ये सूचना पूर्ण रूप से सही है, लेकिन किसके लिए है ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बात है 2016 में जो आपकी SI ASI आई थी, 609 पोस्ट था। उसके लिए क्या हुआ था कि कुछ बच्चे जो आपके BCA किए हुए, BTech हैं, BSc IT और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इन्होंने कहा था कि हम जो है ओ लेवल जो है, एक तरह से बोला जाए वो हमारे कोर्स के अंतर्गत आता है, जो चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं वो हम ऑलरेडी अपने इस सब्जेक्ट में, जो भी हम BSc BTech कर रहे हैं IT से, चाहे जो उसके समकक्ष एक तरह से बोला जाए, जिसमें आप कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट 1 ईयर आप पढ़ते हैं, तो बोला गया कि हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो उन्होंने एक याची जो है दायर किया गया था, और उसमें जितने भी बच्चे थे, जितने भी याची थे, उनको कोर्ट ने, एकल कोर्ट ने कहा था कि आप लोग का क्या होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बच्चे उससे काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन कल जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ यहाँ पे लखनऊ में है, इसका फैसला ये आया कि 2016 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें ओ लेवल ही मांगा गया था। तो इसलिए इन लोगों को, जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम जो है ओ लेवल के समकक्ष हैं, चाहे हम ओ लेवल की जो पाठ्यक्रम है उसको हम फॉलो करते हैं, उनको उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये लोग याची जो जाहिर किए थे, ये लोग इसमें नहीं कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन ये बात 2016 की वैकेंसी के लिए हो रहा था, उनको पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा दिया गया था, लेकिन इन्होंने मिलकर एक याची जो है दायर किया था कोर्ट में। तो यही सुनवाई चल रही थी, तो उसी पर आज लास्ट फैसला जो है लखनऊ पीठ का आया है। तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या है इसमें बेसिक, आप उसे देख लें, तो ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना। 26 मार्च को जो है बच्चों ने क्या किया था कि ये कंप्लेन दर्ज की थी, याची दर्ज किया गया था 26 मार्च को, कि हम लोग जो कोर्स किए हैं, जो भी बीटेक वाले हैं, BSc कंप्यूटर साइंस है, IT हैं, BSc BCA हैं, वो सभी बोले थे कि हम ओ लेवल के जो कोर्सेज है वो हमारा एक कोर्स का भाग है। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें एकल पीठ ने कह दिया कि ठीक है आपका DV होगा, लेकिन कल जो है आपका किसने लखनऊ हाई कोर्ट, जो आपके इलाहाबाद का एक खंडपीठ है, उसने कहा कि नहीं, सिर्फ जो ओ लेवल, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है कि आदेश को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा 2016 के तत्कालीन नियम डुएक NSIT से ओ लेवल सर्टिफिकेट पाने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा के लिए योग्य थे, ठीक है। तो उसको खारिज कर दिया, नहीं, आप जो BSc चाहे BTech जो भी याचिकागढ़ हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका DV नहीं होगा। अभी अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि ये लोग और कोई कंप्लेन करते हैं कि नहीं, या इसी पे रह जाता है, ठीक है। तो वो अभी पूरा, अभी जो मेन फैसला आया है वो यही आया है जो लखनऊ खंडपीठ ने दिया है। आगे के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी, जो मैं आपको रूबरू कराऊंगा उससे, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ये भावना ना आए कि हमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि उनकी वैकेंसी से पहले जो आपका ओ लेवल के समकक्ष डिग्री है उसका एक पूरा प्रोफार्मा निकाल के आयोग ने दे दिया था कि आप ये किए हैं तो आप ओ लेवल के समकक्ष हैं, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो 2021 वाले SI ASI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, ठीक है। जो भी इससे आगे 2016 वालों के लिए मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो
जिनकी याची जो है रद्द कर दी गई है, वो मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप लोग उसके लिए क्या करना, चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना कि जो भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। टीम पूरी प्रयास करेगी कि आपके क्वेरी का सॉल्यूशन एकदम सटीक दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेरी के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।